हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्मा सेल्फ मैक में। दोस्तों आज हमारे पास आया एक सेल्फ जो कि है हार्वेस्टर का, अशोका लेलैंड के इंजन में लगा है ये। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ लगाने के बाद भी ये इंजन के साथ घूमता है, मतलब ये फंस रहा है सेल्फ। तो इसके सोलनाइट स्विच में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सोलनाइट स्विच को खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही धूल मिट्टी भरी हुई है, इसे हम साफ करेंगे और देखते हैं फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सोलनाइट स्विच को खोल लिया और अब इसकी कैप को हम खोल लेते हैं। तो कैप में ये जो दो वोल्ट लगे हुए होते हैं इन्हें हम खोलेंगे, उसके बाद आयरन से सोल्डरिंग को हटा लेंगे। और दोस्तों आयरन से सोल्डर को हटा लेंगे जिससे हमारी कैप निकल पाए। तो सोल्डरिंग नहीं हटाएंगे तो हमारी कैप नहीं निकलेगी। तो दोस्तों सोल्डरिंग को हटा लेते हैं और फिर कैप को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कैप हमारी खुल चुकी है और अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसकी जो पॉइंट की आगे की राड जो होती है ये ज़्यादा लंबी है थोड़ी। तो इसे हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घिस देंगे या काट देंगे जिससे हमारा सेल्फ दोबारा फंसेगा नहीं। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा काट लेते हैं। तो दोस्तों ग्लेंडर से हमने इसे थोड़ा सा घिस लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल ही। तो दोस्तों चलिए अब इसे हम फिट कर लेते हैं और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम कैप को बिठा लेंगे। तो दोस्तों अब इसके नट को हम टाइट कर लेते हैं। तो दोनों नटों को हम टाइट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसमें हम सोल्डिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से आयरन से, और फिर सोलनाइट स्विच को फिट करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा सेल्फ सही काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसे हमने सेल्फ में फिट कर दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।